विस्की के नाम में तो काफी लस्ट है, अब देखते हैं टेस्ट कैसे करती है। थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एबीएम ओरिजिनल्स। टुडे वी हैव वन ऑफ द आइकॉनिक ब्रांड्स इन द इंडियन विस्की मार्केट विच हैव सीन ग्रेट हाइज एंड बैड लोज इन इट्स लाइफ टाइम एंड प्रेजेंटली इट्स समवेयर इन द मिडल एंड दिस विस्की इज VAT 69 एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लेंडेड स्कॉच विस्कीज वो विस्कीज होती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की ब्लेंड्स को एक डिस्लरी में ला के उनका ब्लेंड बना के एक विस्की तैयार करी जाती है। VAT 69 भी वैसी ही विस्की है। VAT 69 को बनाने के लिए 40 डिफरेंट ग्रेन और मॉल्ट विस्कीज को यूज़ करा गया है, तब जाके VAT 69 आज हमारी टेबल पर पड़ी है। VAT 69 की बॉटल की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जो इसका VAT 69 का जो बॉक्स है, नॉर्मल कार्डबोर्ड, ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड बॉक्स है, नॉर्मल बेसिक टाइप की इसकी ब्रांडिंग हो रखी है बॉक्स पे। लेट्स ओपन। ये 750 ml बॉटल है। दिस इज VAT 69। बॉटल इज नाइस, स्मॉल ग्रीन कलर की स्मॉल बॉटल है, थोड़ी शेरी शेप्ड टाइप बॉटल लगती है मुझे। इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है VAT 69 का, दैट इज 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थोड़ा सा पोर कर लेते हैं हम VAT 69 को। एकदम ब्रांड न्यू बॉटल है ये। VAT 69 के एट प्रेजेंट जयपुर राजस्थान में जो प्राइस है, दैट इज 2035 रुपए की ये 750 ml की बॉटल है। VAT 69 की जर्नी स्टार्ट होती है 1882 स्कॉटलैंड में, जहां मिस्टर विलियम सैंडरसन, जो पहले से ही एक बहुत बड़े लिकर बिजनेस को ओन करा करते थे, उन्होंने एक क्लासिक विस्की ब्लेंड बनाने का सोचा, जिसके चलते उन्होंने 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्की के ब्लेंड्स बनाए और 100 डिफरेंट कास्क या वैट में उनको रख दिया। फिर उन्होंने आसपास के बहुत बड़े बड़े विस्की टेस्टिंग एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया और उन्हें सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विस्कीज को टेस्ट करने के लिए कहा। विथ पॉपुलर चॉइस, सब विस्की एक्सपर्ट्स ने कास्क नंबर या वैट नंबर 69 को बेस्ट विस्की ब्लेंड बताया और उन्होंने वैट नंबर 69 को इंडस्ट्रियलाइज करना चालू किया एंड वहीं से ही इस विस्की का नाम पड़ा है VAT 69। चलिए बहुत हो गई बातें, अब विस्की को हम टेस्ट कर लेते हैं। विस्की के कलर की बात करी जाए तो विस्की का कलर एकदम गोल्ड टाइप है, टू बी प्रिसाइज हनी गोल्ड अगर हम इसको कह सकते हैं, हनी गोल्ड इसका कलर है। चलिए नोज कर लेते हैं विस्की को। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिटेड लग रही है मुझे। फर्स्ट नोज में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट का इसके अंदर पंच आया है। थोड़ी सी स्पाइसी लग रही है, थोड़ी सी, कहीं हल्का सा इसके अंदर हिंट ऑफ स्पाइसेस है। थोड़ी सी कैरमल की स्मेल आ रही है मुझे इसके अंदर। थोड़ी सी फ्रूटी लग रही है मुझे, फ्रूट में जैसे पेयर होता है, तो हल्का सा मुझे पेयर या पेयर जूस की मुझे इसके अंदर स्मेल आ रही है। टाइम टू टेस्ट। विस्की में काफी अच्छा अल्कोहल बर्न है और काफी ज्यादा स्पिरिटेड लग रही है मुझे विस्की। बार्ले मॉल्ट का इसके अंदर टेस्ट काफी ज्यादा एविडेंट है।
विस्की काफ़ी स्पाइसी है, काफ़ी मुझे इसके अंदर पेपर का डोमिनेशन लग रहा है, पेपर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे इसके अंदर। हल्की सी इसकी फ्रूटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रूट में पेयर, तो पेयर का भी इसके अंदर हल्का हल्का टेस्ट ज़रूर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो इसका फिनिश है विस्की को लेने के बाद, तो कहीं ना कहीं विस्की काफ़ी अल्कोहल बर्न दे रही है। सो जस्ट द वे आई लाइक टू एन्जॉय माय विस्की, मैं इसमें थोड़े आइस क्यूब्स डाल देता हूँ। थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा। नाउ इट टेस्ट नाइस। सो वैट 69 का इंडिया में पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है वैट 69 का कनेक्शन होना बॉलीवुड के बैड बॉयज या स्मगलर्स के साथ में। अगर आपने नोटिस किया होगा तो 80s और 90s की काफ़ी सारी मूवीज़ में वैट 69 का काफ़ी प्रमोशन हुआ हुआ है। अमिताभ बच्चन साहब की जो सुपरहिट मूवीज़ थी डॉन और दीवार, उनमें भी बच्चन साहब को इसको पीते हुए देखा गया है। वैट 69 की अब स्कोरिंग की बारी आ गई है। वैट 69 को हम तीन एस्पेक्ट्स पे स्कोर करेंगे, टेस्ट, वैल्यू फॉर मनी और फील ऑफ द विस्की। वैट 69 को टेस्ट पे मैं 7 स्कोर करना चाहूँगा। विस्की काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगी मुझे, और आप देखिए कि मुझे इसके अंदर पानी मिलाने की भी ज़रूरत पड़ी है, दैट मीन्स विस्की में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिटेड और अल्कोहल बर्न मुझे लग रहा है। सेकेंड एस्पेक्ट है वैल्यू फॉर मनी, और वैट 69 की प्राइस देखते हुए जो है 2035 रुपये, उस हिसाब से वैट 69 में मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लगी है। सो ऑन वैल्यू फॉर मनी आई विल गिव 7 टू वैट 69। थर्ड इज़ फील ऑफ द विस्की, तो फील ऑफ द विस्की पे विस्की मुझे काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगी है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, सो आई विल गिव 7.5 टू वैट 69। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट करी हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आपका वैट 69 का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, टू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन, एंड चीयर्स।